बेसा परिसर के दत्त नगर में स्थित वैद्य कंपनी में कुछ दिन पूर्व ही आगजनी की बड़ी घटना सामने आई थी। यह कंपनी रिहायशी इलाके में है। अभी कंपनी का काम बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, जिस वजह से परिसर के नागरिक कंपनी को बंद करने की मांग कर रहे हैं। बेसा की वैद्य कंपनी में शुरुआती दिनों में पानी की पैकिंग की जाती थी, जिसके बाद कंपनी में फर्नीचर, वेल्डिंग का काम, सैनिटरी नैपकिन जैसे चीजें बनने लगी है। इन कामों के लिए ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिससे आग भी लग सकती है। परिसर के नागरिक इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी की वजह से परिसर के लोगों की जान को खतरा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी को भी निवेदन दिया गया। ये बिल्कुल कंपनी के पास ही रहती है। मेरा भी एक दीवार के पास इधर घर है बंगला। वो हुआ ये कि जब हम लोगों ने घर बनाए थे, जब वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो अगर वहाँ फैक्ट्री रहती तो हम अपना घर बनाते ही क्यों। हमारे आने के 5 साल बाद वो कंपनी आई, बस ये बोल के कि बिस्लरी का हम लोग ब्रांड डाल रहे हैं। तो हमने सोचा सभी को पानी की जरूरत है और वहाँ पानी अच्छा नहीं आता था, लोगों को डेंगू पीलिया हो रहा था, तो हमने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे हमने फर्नीचर बनाना चालू किए, बड़ी बड़ी अलमारियाँ बन रही हैं और फ्रीजर्स बन रहे हैं। इधर देखिए तो फर्नीचर स्कूल का बन रहा है। इधर डस्टबिन, जो बड़े बड़े आप डस्टबिन देखते हो, गीला कचरा, सुरों का कचरा, वो भी वहाँ बनते हैं, पूरे सिटी में सप्लाई हो रहे हैं। और सैनिटरी नैपकिन के इतने गट्ठे हैं वहाँ कि मैं बता रही हूँ कि कम से कम 250 से 300, और रोल उनका इतना बड़ा होता है कि ये जितना अपना टायर सिकल जितने बड़े वहाँ पे रोल होते हैं, जितने बड़े गड्ढे वहाँ पे थे, और उनमें एकदम अचानक आग लगने से वहाँ की उनकी टीम टप्पर तक जल के ऐसे उड़ रहे थे जैसे उड़न दस्तरी उड़ रही है। तो मैं बता नहीं सकती हूँ, दिन हम लोगों ने आंखों से देखा है, कुछ मैं मोबाइल में भी कैद किए हैं। आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। रिहायशी इलाकों में कंपनी कारखाने संचालित करने की मनाई की गई है। सुरक्षा करने से सरकार इसे प्रतिबंधित करती है। ऐसे में बेसा में यह कंपनी कैसे चल रही है, यह सवाल लोगों के मन में है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।